नमस्कार। उदयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से करीब 1.5 करोड़ रुपए जब्त किए। उदयपुर के घंटाघर इलाके में बुधवार सुबह पुलिस ने एक नाबालिग समेत 3 लोगों को हवाला की रकम के साथ पकड़ा है। आरोपियों के पास से कुल 1,48,50,000 रुपए बरामद हुए। आरोपी ये रकम गुजरात लेकर जा रहे थे। कार के पिछली सीट के नीचे 500 के बंडल छिपा रखे थे। थाना अधिकारी शैलेंद्र चौहान ने बताया कि अल सुबह पुलिसकर्मियों ने गश्त के दौरान मोचीवाड़ा क्षेत्र में गुजरात नंबर की एक संदिग्ध कार देखी। पुलिस ने कार के पास जाकर अंदर बैठे युवकों से पूछताछ की तो वे गोलमोल जवाब देकर टालते रहे। इसके बाद पुलिस ने कार की तलाश ली तो कार के पीछे एक सीट के नीचे नोटों के कई बंडल मिले। इसके बाद पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया। थाने लाकर इनसे पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि वे हवाला कारोबार के लिए काम करते और यह रकम गुजरात लेकर जा रहे थे। आरोपियों से पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपी गुजरात के अहमदाबाद में एक हवाला कारोबारी के ऑफिस में काम करते हैं, जो उदयपुर सहित कई जिलों में हवाला रकम को इधर उधर लान ले जाने का काम करता है। मंगलवार देर रात वो उदयपुर की दान मंडी क्षेत्र में ब्रांच ऑफिस से हवाला की रकम लेने आए। इस रकम को लेकर आरोपी आज अहमदाबाद जाने वाले थे और आरोपियों से पूछताछ कर हवाला का धन देने वाले स्थानीय एजेंट के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है।